हेलो, मेरा नाम आशीष है। मैं वर्ल्ड एलियन पब्लिकेशन से बुलाता हूँ, चैनल से बुलाता हूँ। हमने साउथ इंडियन कोर्ट बार पे सीरीज निकाले, तो आप हमने बुक निकाली है, तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल लेके रखा बहुत अच्छे से। आप हमारी ऊपर लिखी हुई वीडियो को भी देख सकते हैं, बुक के बारे में हम डिटेल में देख रखा है, तो परचेस कीजिए। नीचे लिंक दे के रखी है, या आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम इसी सीरीज़ में साउथ इंडियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में इंक्वायरी में छोटी छोटी सीरीज निकालें। तो इसमें एक है कि अगला क्वेश्चन ये होता है लोगों को कि गोल्ड बॉन्ड का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड तो जनरली आरबीआई निकालती है, ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे निकालती है। तो अपने को पेमेंट उसको कैसे देने का, आरबीआई को पेमेंट कैसे देने का, क्योंकि आरबीआई का तो ऑफिस नहीं होता, ऑफिस होता है लेकिन अपन तो जा नहीं सकते। तो आरबीआई पोस्ट ऑफिस, आरबीआई अपने एजेंट्स नियुक्त करती है। तो जैसे बैंक होती है, पोस्ट ऑफिस होता है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएससी, एनएससी, स्टॉक ब्रोकर वगैरह होते हैं, तो ये उनके एजेंट्स वगैरह होते हैं। तो उनको 1% उनको कमीशन वगैरह भी दिया जाता है, तो वो उसके लिए काम करते हैं। तो आप उसमें हम आपको जाकर पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म भरने का रहता है, आप एक फॉर्म भर के उसको आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में दे सकते हैं, बैंक वगैरह में दे सकते हैं, तो या ऑनलाइन भी भर सकते हैं उसको। उसमें आप दे के पेमेंट कर सकते हैं। अभी उसमें पेमेंट कैसे देने का, तो आप अभी आप कैश देना चाहते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का लॉ है कि आप 20,000 रुपये तक ही कैश दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको पेमेंट करने का, तो आपको डीडी, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग की ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कैश ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। तो आपका ये है कि हम पेमेंट कैसे करने का, तो आप इसको डीडी 20,000 तक कैश, डीडी, चेक, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू इसको कर सकते हैं। अभी इसके यूनिट्स क्या क्या होती हैं, हर एक होगी कि बॉन्ड की यूनिट क्या होती है। गोल्ड बॉन्ड है तो गोल्ड बॉन्ड की यूनिट क्या होती है, जैसे इससे समझ में आता है कि ये यूनिट है तो गोल्ड से रिलेटेड है, तो इसकी यूनिट्स होती हैं गोल्ड में होती हैं। तो गोल्ड की यूनिट कैसे होती है, 1 ग्राम गोल्ड उसकी एक यूनिट होती है। जैसे आपने कोई आपको कुछ परचेस करने का, तो गोल्ड की यूनिट्स में परचेस करने का, तो आपको 1 ग्राम के हिसाब से परचेस करना पड़ेगा। अभी आपको ज़्यादा लेने का था, 2 ग्राम लीजिए, 3 ग्राम लीजिए, 4 ग्राम लीजिए, इस टाइप से यूनिट्स पड़ जाती है। तो आपको जो भी यूनिट का भाव होता है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करने का होगा। जैसे भी पिछली बार 4,640 रुपया उसका रेट था, तो आपको एक यूनिट खरीदी तो आपको 4,640 रुपये देना पड़ता है। 2 खरीदेंगे तो आपको उसका डबल देना पड़ेगा, 10 गुना देंगे आपको 4,046,400 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको वो यूनिट्स सोने के, 1 ग्राम सोने की उसमें इसकी यूनिट्स होती हैं। तो आपके ये 2 क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अभी आपको और इंक्वायरी करने की है और अच्छे से समझने का उसको, तो हमारी बुक परचेस कीजिए, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक देकर रखें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।